इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वेब सीरीज़ बताऊंगा देखने को जो आपको पसंद आ सकती है। और इस सारी की सारी सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, तो शुरू करते हैं। तो पहली सीरीज़ है नार्कोस। ये सीरीज़ मेरी वन ऑफ द फेवरेट वेब सीरीज़ में से एक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और थ्रिलिंग है, एंड मोर देन दैट ये सीरीज़ बायोपिक है पाब्लो एस्कोबार और काली कार्टेल की कैसे ये ड्रग डीलर्स कोलंबिया पे डोमिनेट करने लग गए और कैसे कोलंबियन और अमेरिकन गवर्नमेंट ने मिलकर इनके अगेंस्ट एक्शन लिए। एंड ये पहले 3-4 एपिसोड में ऐसे सीन दिखा देते हैं कि आप क्वेश्चन करने लग जाते हो कि ये बायोपिक है भी कि नहीं। बट मैंने चेक किया, ये बहुत ही एक्यूरेट डिपिक्शन है पाब्लो एस्कोबार की। एंड ये सीरीज बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। एंड इसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज भी है नार्कोस मैक्सिको, जो मैक्सिकन ड्रग डीलर्स के ऊपर है। अगर आपको ये अच्छी लगे तो वो भी देखना, वो भी बहुत ही बढ़िया है। उसमें भी टोटल 3 सीजन है। तो हमारी अगली सीरीज है ट्रू डिटेक्टिव। इसमें टोटल 4 सीजन है, बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा पहला देखने को। जहाँ ये सीरीज एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीरीज है। इसका बेसिक प्रीमाइस ये है कि कुछ डिटेक्टिव ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कुछ केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और कैसे उन केसेस के चलते उनकी जो लाइफ है वो इफेक्ट हो रही है। जहाँ पहले सीजन की स्टोरी ये है कि ये दोनों डिटेक्टिव अपने एक 10 साल पुराने केस को रीइन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने सॉल्व कर लिया था और सीरियल किलर को पकड़ लिया था। बट किलिंग जो है वो अभी उस स्टाइल में कंटिन्यू चल रही है। ये पहला सीजन बहुत ही ज्यादा डार्क और सीरियस थीम्स रखते हैं, इसका सस्पेंस और थ्रिलर का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है। और इन भाई साहब का करेक्टर आपको लिटरली हिला के रख देगा। इनका जो पर्सपेक्टिव दिया ना वर्ल्ड को देखने का, वो बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। इस सीजन को जो बाकी सीजन से बढ़िया बनाते हैं वो इसका फैक्ट कि इसमें कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है, सब प्रे और प्रेडेटर्स है। यहाँ ये बोलता भी है कि इस वर्ल्ड को मेरे जैसे बुरे लोगों की जरूरत है ताकि वो बाकी बुरे लोगों को कंट्रोल कर सके। मैं आपको ये सीजन हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आपको क्राइम सीरीज पसंद है तो। वहीं इसका जो सीजन 2 है वो बस ठीक ठाक ही है, एक नॉर्मल सीरीज है, ज्यादा कुछ खास नहीं। सीजन 3 और सीजन 4 भी इसका अच्छा है, अगर आपको सीजन 1 अच्छा लगे तो बाकी भी देख लेना। तो हमारी अगली सीरीज है चेर्नोबिल, जो एक डिजास्टर सीरीज है। एंड ये सीरीज इंस्पायर है एक रियल इवेंट से। इस सीरीज की स्टोरी 1986 में हुए एक न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सीडेंट के ऊपर है, जो हुआ था सोवियत यूनियन की सिटी चेर्नोबिल में। एंड ना यहाँ का जो रेडिएशन लेवल था ना, इसके बाद जो हिरोशिमा में बॉम्ब फेंका गया था ना, उसके कंपैरिजन में 400 टाइम्स ज्यादा था। ये सीरीज बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग है और ये किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। और इसमें ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 एपिसोड है। तो हमारी अगली सीरीज भी इन्हीं के क्रिएटर ने क्रिएट करी थी, द लास्ट ऑफ अस, जो अडेप्टेशन है सेम नाम के गेम की। ये सीरीज एक पोस्ट एपोकलिप्टिक सर्वाइवल ड्रामा सीरीज है, जिसमें एक डेडली फंगस के म्यूटेट होने की वजह से वो अब लोगों को कंट्रोल करने लग गया जस्ट लाइक ज़ॉम्बीज, और वो एक पैंडेमिक की तरह फैल चुका है। तो नाउ इन प्रेजेंट पेड्रो पास्कल के कैरेक्टर को इस लड़की को सेफली ट्रांसफर करने को बोला जाता है, क्योंकि जो इसका ब्लड है वो इम्यून है इस फंगस को लेकर। एंड ये सीरीज बहुत ही ज्यादा विजुअली स्टनिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ये देखने को। तो हमारी अगली सीरीज एक सुपर हीरो सीरीज है, दी बॉयज। एक्चुअली में ये एक एंटी सुपर हीरो काइंड ऑफ सीरीज है, जहां पर जो सुपर हीरोज है वो बेसिकली लाइक ब्रांड है जिनको एक कंपनी रिप्रेजेंट करती है। एंड ये सीरीज डार्केस्ट साइड ऑफ सुपर हीरो को दिखाते कि क्या होता अगर एक्चुअली में सुपर हीरो एग्जिस्ट करते। तो फिर देन कार्ल अर्बन का कैरेक्टर बिली बुचर एक टीम क्रिएट करते हैं दी बॉयज नाम की, जो इन सुपर हीरो के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं और उनके कांड को लोगों के सामने लाते हैं। और मैं इतना आराम से कह सकता हूं कि ये वेब सीरीज जो है ना ऑफ सुपर हीरो मूवीज से बहुत ही आगे स्टैंड करती है। एंड इस सीरीज को मैं आपको तभी देखने को रिकमेंड करूंगा अगर आप वॉलेंस को खत्म कर सकते हो तो। इसका खून खराबा बहुत ही हाई है। और इसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज भी है जैन वी, वो भी देखना, वो भी बहुत ही अच्छी है। वो बेसिकली एक सुपर हीरो अकेडमी पे है जहाँ पर सुपर हीरोज को एडुकेट करते हैं और वहां पर कुछ इलीगल शिट चल रही है, तो वो भी बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। मैं आपको दोनों ही देखने को रिकमेंड करूंगा अगर वॉलेंस खत्म कर सकते हो तो। हमारी अगली सीरीज है ब्लैक मिरर। ये एक साइंस फिक्शन एंथोलॉजिकल सीरीज है जहां पर हर एपिसोड में अपनी अलग कहानी है। ये सीरीज नेगेटिव इंपैक्ट को दिखाती है टेक्नोलॉजी के, एंड ये सीरीज बहुत ही ज्यादा डार्केस्ट वे में इसको रिप्रेजेंट करती है, बट इट्स वेरी ग्रेट, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ये देखने को। तो हमारी लास्ट सीरीज है टोक्यो वाइस। ये सीरीज एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो सेट है टोक्यो में, जहां ये बंदा जो ये एक जर्नलिस्ट है जो टीम अप करते डिटेक्टिव्स के साथ ताकि वो यकूजा गैंग्स को नीचे ला सके। यकूजा बेसिकली जापानीज में क्राइम फैमिलीज को बोलते हैं। एंड ये सीरीज बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग, और एक फैक्ट इस सीरीज को जो आपको इससे बांध के रखेगा वो है इसका पावर डायनेमिक्स, कि क्या होगा कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाओगे। एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट सीरीज जो मैंने रिसेंट टाइम में देखी है। ये सारी की सारी सीरीज बहुत ही बढ़िया है, आपको डेफिनेटली ये सब पसंद आएंगी। एंड अपनी फेवरेट वेब सीरीज का नाम कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।